देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फलदा कोट के ग्राम भेलडुंग के लोगों ने गांव बचाने की मुहिम चलाकर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को आईना दिखा दिया है। देश की आजादी के साथ दशकों के बीच जाने के बाद भी जब सरकारों ने ग्रामीणों की सुध न ली तो ग्रामीण स्वयं ही मांझी बन गए। प्लान के दर्द की पीड़ा के बीच एक और विश्व जल दिवस पर तीन जुगलान भाइयों ने सरकार को आईना दिखाते हुए स्वयं जल की व्यवस्था की और 1 किलोमीटर दूर से बिजली फिटिंग के 3 बारीक पाइप एक पाइप में जोड़कर गांव के सूखे नालों तक पहुंचा दिए। वहीं दूसरी ओर भेलडुंग गांव के मूल निवासी जुगलान भाइयों ने एक बार फिर इतिहास रच डाला। लगातार 3 दिनों से प्रयासरत रविंद्र जुगलान, पर्यावरणविद और सामाजिक आंदोलनकारी विनोद जुगलान, प्यारेलाल जुगलान ने मिलकर गांव की क्षतिग्रस्त पेयखाल भेलडुंग पगडंडी मार्ग चौड़ीकरण कर पैदल मार्ग बनाने का संकल्प लिया और मार्ग निर्माण में जुट गए। लेकिन गांव में प्लान के कारण मानव श्रमिकों की कमी के कारण उन्हें पास के गांव जुलेडी से मानव श्रमिकों का सहारा लेना पड़ा। साथ ही गांव में आए स्थानीय मूल निवासी और लुधियाना में प्रवास कर रहे राजेश जुगलान भी मार्ग निर्माण में जुट गए। शीघ्र ही ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और लगातार 3 दिनों से युद्ध स्तर पर तपती धूप में पसीना बहाने के पश्चात लगभग 2 किलोमीटर दूरी के क्षतिग्रस्त पगडंडी मार्ग को चौड़ाकर पैदल और खच्चर मार्ग बना दिया। इससे गांव वासियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है और अब उन्हें लगने लगा है कि इस तरह की कोशिशों के जरिए गांव की विरासत को उजड़ने से बचाया जा सकेगा। हमारी विरासत के तहत भेलडुंग के युवाओं ने गांव बचाने की एक पहल की है जिसके तहत सभी प्लान कर चुके भेलडुंग के ग्रामीणों को प्रवास कर रहे जो विभिन्न राज्यों में प्रवास कर रहे भेलडुंग के ग्रामीणों को वापस बुलाया जा रहा है और 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन यमकेश्वर प्रखंड के भेलडुंग ग्राम में किया जा रहा है। इसके तहत आने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, विश्व जल दिवस पर स्वजल की व्यवस्था की गई, 3 बारीक बिजली के पाइप फिट करके शिला कदम से पानी लाया गया और अब उसके पश्चात पैया खाल से भेलडुंग तक जो पगडंडी मार्ग था जीर्ण शीर्ण हालत में, वो तो चलने लायक नहीं था, जंगली जानवर स्वर उसको खोद करके खराब कर चुके थे। झाड़ियाँ जिस पर उगाई थी उसको भाई रविंद्र जुगलान, प्यारेलाल जुगलान और स्वयं विनोद प्रसाद जुगलान मेरे द्वारा हम लोगों ने एक प्रयास करके आसपास के जुलेडी के युवाओं को बुलाकर उस मार्ग का निर्माण किया गया जिसमें लगभग 30 मानव दिवस 10 व्यक्तियों द्वारा 3 दिन तक लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद उस मार्ग को बनाया गया। वह मार्ग लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पैया खाल से भेलडुंग तक जाने के लिए उस मार्ग को सुगम कर दिया गया है। जो बहुत ही चढ़ाई वाले रास्ते थे उनको भी रैंप रोड बना करके वहाँ तक मोटरसाइकिल तक का मार्ग बना दिया गया है ताकि आने जाने वालों को कोई भी परेशानी ना हो। और ये पहल हमारी जारी रहेगी। दिन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, सुंदर आयोजन के साथ में आध्यात्मिक श्रवण होगा और रात्रि विश्राम में से पहले वहाँ पर सामाजिक मंथन होगा कि किस प्रकार गांव को बचाने का प्रयास किया जाए। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।